बचाने का काम, दुकान बचाने का काम, उसकी जमीन को गिरवी रखने का काम से बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने हर परिवार का 10 लाख तक का बीमा और सभी बीमारियां उसके लिए मुफ्त कर दी। मैं समझता हूं कि बहुत सारे बुजुर्ग हम देखते थे जिनके इलाज के लिए लोग सोचते थे अब इतना खर्चा कौन करेगा इनके ऊपर, उनके बाद में बुढ़ापे में उनका इलाज ही नहीं कराते थे। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आते थे, लेकिन आज चिरंजीवी योजना होने के कारण मैं समझता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे सुरक्षित प्रदेश है, अगर सबसे कोई सुरक्षित आबादी है तो हमारे राजस्थान की आबादी। आज बिजली के बिल देखिए, लाखों किसानों लाखों गांवों के घरों में जीरो बिजली का बिल आ रहा है, हमारे इलाके में आ रहा है। लोग हमारे को आते हैं, दुआएं देते हैं, मैं कहता हूं भैया मेरे को मत दो, ये तो मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये उनका दिल है, ये उनका सीना है जो राजस्थान की जनता के लिए धड़कता है। और आपके दुख दर्द में, चाहे आपके स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपके रोजगार का मामला हो, चाहे आपके परिवार का मामला हो, चाहे आपकी सोशल सिक्योरिटी का मामला हो, आपके लिए आधी रात को भी अगर कोई खड़े तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े। साथियों, कई बार कई सवाल उठते हैं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं क्योंकि मेरे विभाग से आती है। इस देश में बेरोजगारी की हालत बढ़ रही है और बेरोजगारी भत्ते का काम अनेकों सरकारें करती आई है। आज से पूर्व में किसी भी सरकार ने 125 करोड़ से ज्यादा 5 साल में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3.5 साल के अंदर 1565 करोड़ इस प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी के भत्ते के नाम पर दिए, 1565 करोड़ रुपए। आज से पहले कभी 125 करोड़ भी नहीं मिले। तो हर वर्ग को, हर इलाके को, चाहे वो खेल हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, हर किसी के लिए काम कर। माननीय मुख्यमंत्री जी, सब यहाँ पर आपको सुनने आए और हमारा सौभाग्य है कि इन खेलों पर आपने इतना ध्यान दिया। आपकी नजर होने से इन खेलों का वातावरण पूरे राजस्थान में बन गया और केवल राजस्थान में ही, आज पूरा देश राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक्स को देख रहा है। मैं तो एक 2-3 छोटी छोटी मांगे करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी। एक, कि इसके अंदर कोई नियम आ गया है जो कि फेडरेशन का बनाया हुआ था कि बच्चे क्रिकेट खेलने वाले अगर छक्का मारेंगे तो वो आउट हो जाएंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे ग्रामीण ओलंपिक के लिए आप ये घोषणा करें कि ग्रामीण ओलंपिक के खेलों में क्रिकेट में कोई छक्का मारेगा तो वो आउट नहीं होगा। ये एक अटपटा सा नियम है साहब, ये देख लो साहब, उन्होंने साइन भी कर दी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। एक और मैं निवेदन साहब, ये एक ऐसा आयोजन है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। एक समय में लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। आज आपने इतने रास्ते खोल दिए, इतने इनाम दे दिए, इतनी नौकरियां दे दी, आपने उस परिभाषा को बदल दिया। अब नई परिभाषा हो गई है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, ये परिभाषा आपने कर दी है। मेरा आपने एक और निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये प्रस्तावित ग्रामीण ओलंपिक 2 सालों में था, उत्साह को देखते हुए मैं आपसे गर्वित निवेदन करता हूं कि इसको हर साल, इस 1 महीने को खेल का महीना मानते हुए इसको हर साल कराया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी। और तीसरी डिमांड, फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा, सब आपको सुनने आए कि ग्रामीण का तो हमने ध्यान रख दिया, इसमें थोड़ा सा शहरों वालों का भी अब बड़ी इच्छा कर रही है कि जो शहर में रहते हैं, जो वार्डों में रहते हैं, उनको क्यों इससे दूर रखा गया। तो जनवरी में जब स्टेट गेम्स हो तो जनवरी फरवरी में शहरों के लिए अर्बन ओलंपिक्स की भी घोषणा आप आज इस मंच से करें। अगर आप लोग चाहते तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मांग कर लीजिए और आपको पता है आप और हम मांगते मांगते थक जाएंगे, मुख्यमंत्री जी देते देते नहीं थकेंगे। आप सब यहाँ पर पधारे, खेलों के इस आयोजन को आपने आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी राम राम। बहुत धन्यवाद श्री अशोक जी, शानदार साहेब।